कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के बेल्लारे में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू हत्या का मामला नया मोड़ ले रहा है। पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके पिता प्रवीण के पोल्ट्री फार्म पर काम कर चुके हैं। कैसे प्रवीण नेटारू हत्याकांड अमरावती और उदयपुर जैसी वारदात की अगली कड़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की मंगलवार को हुई हत्या के बाद से उनके नेटारू गांव में मातम पसरा है। प्रवीण की हत्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और राइट विंग लोगों में आक्रोश है। ये गुस्सा इतना है कि जब राज्य के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कटील पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो उनकी गाड़ी को पलटाने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें कि हाल ही में प्रवीण ने उदयपुर में कन्हैया लाल के सर कलम करने की घटना पर गंभीर सवाल उठाए थे। प्रवीण ने कन्हैया लाल को लेकर 29 जून को पोस्ट किया था। इसमें प्रवीण ने लिखा था कि आज एक गरीब दर्जी को सरेआम काटकर वीडियो बना दिया गया है। ये कट्टर कह रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रवीण के रिश्तेदार का कहना है कि एक हफ्ते से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी, इसलिए प्रवीण अपनी पोल्ट्री की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। प्रवीण के कजिन का ये भी कहना है कि आरोपी शफीक का पिता प्रवीण की दुकान में पहले काम कर चुका था, ऐसे में वो प्रवीण के बारे में काफी कुछ पहले से जानता था। शफीक के फादर प्रवीण चिकन शॉप पे काम करते थे, पहले 3-4 महीने के लिए काम करते थे। अभी ये सम रीजंस ये नहीं आते थे, बाद में आना जाना होता था। प्रवीण क्या करते सब कुछ जानता था? हाँ, जानता था उसको, उसका फादर ये शॉप पे दुकान पे काम करते थे ना, इसलिए पूरा जानता था कितने बजे आते थे, कितने बजे जाते थे, क्या पूरा डे एक्टिविटी उसका मालूम था। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे प्रवीण जब अपनी पोल्ट्री शॉप बंद करके घर के लिए निकलने वाले थे, तभी अचानक उन पर पीछे से 3 लोगों ने तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया। पहले हमले के साथ ही प्रवीण दूसरी ओर भागे। कुछ दूर भागे ही थे कि दोबारा उन पर हमला हुआ, जिसके बाद उन पर इतने वार किए कि अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। प्रवीण यहां पर सीसीटीवी भी लगाने वाला था और जिस दिन सीसीटीवी लगाने वाला था उससे ठीक एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। रात को करीब 9 बजे के आसपास धारदार हथियारों के साथ 3 बाइक सवार लोग जो है उसकी हत्या करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस हत्याकांड में केरल में रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए पुलिस PFI के कनेक्शन के एंगल से जांच कर रही है। इस हत्याकांड में अब तक 21 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जो PFI से जुड़े बताए जा रहे हैं। जाकिर और शफीक नाम के जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से जाकिर का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। पुलिस उसका PFI से लिंक भी पता कर रही है। ये तो केरल के लिंक है, ऐसे इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का, जो SDPI और PFI का लिंक है, इसके लिए जो PFI और SDPI को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहा है। उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस था, सिद्धरामैया ने इनको विथड्रॉ किया था, इनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं। जो भी है इन्वेस्टिगेशन आप करो, जो भी किलर्स हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो, बैन करो, जो करना करो। ये बेसिकली जो है PFI SDPI एक तरफ, एक दूसरी तरफ RSS BJP RSS BJP बजरंग दल VHP एक तरफ, VHP एक तरफ, ये लोग जो है मैच फिक्सिंग है, ये आओ खेलें, पोलराइजेशन के खेल खेलते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद बने नफरत के माहौल में PFI और जहर घुलने का काम कर रही है। अगर प्रवीण नेटारू के हत्यारे केरल से आए थे तो उसकी हत्या में PFI के लिंक को खारिज नहीं किया जा सकता है। बढ़िया।
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, इष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।